हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। लास्ट वीडियो में, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लास्ट वीडियो में हमने रिकार्डो मॉडल कवर किया था। हाफ सेक्शन हमने कहा था कि जो एग्रीकल्चरल सेक्टर है और इंडस्ट्रियल सेक्टर है, दो सेक्टर है। एग्रीकल्चरल सेक्टर में यू हैव डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू स्केल एंड इंडस्ट्रियल सेक्टर में यू हैव कॉन्स्टेंट रिटर्न्स टू स्केल। अब जो एग्रीकल्चरल सेक्टर है वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था, लेकिन मैं एक बार सिर्फ समरी के लिए ऊपर से हम लोग फटाफट से देख लेते हैं उसे। सो रिकार्डो थियोरी 1817 में दी गई थी, प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी एंड टैक्सेशन। ये बुक है, इस बुक में दी थी। एग्रीकल्चर हैज़ डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू लेबर, यानी आप लेबर को बढ़ा रहे हो, डबल कर रहे हो, तो आउटपुट डबल नहीं होता है, आउटपुट बढ़ेगा। मैं ऐसे नहीं बोल रही हूँ कि आउटपुट बढ़ नहीं रहा है, आउटपुट बढ़ेगा, इंक्रीज होगा, लेकिन लेस देन डबल होगा, कम रेट पे इंक्रीज होगा, आप बोल सकते हो। तो अगर एग्रीकल्चर में मैंने आपको ये डिमिनिशिंग रिटर्न्स एक्सप्लेन किया था, हमने ये एक ग्राफ देखा था जहाँ पे हमने समझा था कि कैसे पूरा वर्क करता है, कि जो ग्रोथ ऑफ एग्रीकल्चरल सेक्टर जो होता है, एग्रीकल्चरल सेक्टर में जब भी ग्रोथ होगा तो वो कौन प्रोड्यूस कर रहे हैं, कौन एक वेज गुड कहलाएगा। वेज गुड क्यों? क्योंकि रियल जो गुड है वो वेज गुड्स के तौर पे, रियल वेजेस जो है वो कौन के तौर पे दिए जाएंगे। उसी वजह से, उस एग्रीकल्चरल आउटपुट के ग्रोथ के वजह से, वेज गुड के वजह से प्रॉफिट जनरेट होता है। हमने एक ग्राफ देखा था, ग्राफ में वो प्रॉफिट जनरेट होता है, प्रॉफिट री इन्वेस्ट होता है, लेबर और डिमांड होता है, और उसके वजह से कैपिटल अक्यूमुलेशन होता है। अब मैं आपको ग्राफ दिखा देती हूँ एक बार। हाँ, एक चीज़ हमने ये भी देखी थी कि मिनिमम सब्सिस्टेंस है, मिनिमम सब्सिस्टेंस वेजेस दिए जाएंगे, यानी इतने ही वेजेस दिए जाएंगे कि आप रह सको, जी सको, नेसेसिटी, बेसिक नेसेसिटीज कवर कर सको, तो उतने ही वेजेस दिए जाएंगे। अब उससे अगर ज़्यादा वेजेस दे रहे हैं तो क्या होता है, पॉपुलेशन इंक्रीज होता है और इवेंचुअली वो सब्सिस्टेंस लेवल पे आ जाएगा। उससे कम भी नहीं हो सकता, उससे कम होगा तो लेबर तो काम करेंगे ही नहीं, राइट? लेबर तो बोलेंगे कि हम क्यों काम करें। और एक दूसरी चीज़ ये भी है कि आप बेसिक नेसेसिटी, जितना समझो बेसिक नेसेसिटी 100 रुपीज़ है, कि एक दिन में 100 रुपीज़ आप वेजेस के तौर पे दे रहे हो, तो वो उनकी बेसिक खाने पीने का खर्चा हो गया। अगर आप उससे नीचे दोगे तो वो खाने पीने का खर्चा नहीं निकाल पाएंगे, वो प्रोडक्टिव भी नहीं होंगे, राइट? तो ये दो रीजंस के वजह से ना इंक्रीज़ हो सकता है, इससे ज़्यादा भी आप नहीं दे सकते हो, इससे कम भी आप वेजेस नहीं दे सकते हो। रिकार्डियन ग्रोथ मॉडल ऐसे था, एग्रीकल्चरल सेक्टर में डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू स्केल है, इंडस्ट्रियल सेक्टर में कॉन्स्टेंट रिटर्न्स टू स्केल है। रियल वेजेस इज फिक्स्ड इन टर्म्स ऑफ कौन जो प्रोड्यूस हो रहा है उसी तौर पे वो रियल वेजेस के तौर पे दिया जा रहा है। ये ग्राफ कहाँ गया, मैं फटाफट से ग्राफ एक्सप्लेन कर देती हूँ। हाँ, ये था ग्राफ। ग्राफ में अल्टीमेटली हम लोग ने क्या देखा था, मैं आपको वो ग्राफ एक्सप्लेन कर देती हूँ, तो फटाफट से हम ग्राफ समझ लेंगे। सिंपल था कि ये यहाँ पे हम लेबर एम्प्लॉयमेंट ले रहे हैं और यहाँ पे हम एमपी एंड एपी कवर कर रहे हैं, ठीक है? ये आपका एपी है, ये आपका एमपी है। अब लेबर समझो यहाँ पे एम्प्लॉय हो रहा है, इतना वेजेस दिए जा रहे हैं, ये मिनिमम सब्सिस्टेंस, मिनिमम सब्सिस्टेंस वेजेस है ना, मैं रेड से बताती हूँ, ये मिनिमम सब्सिस्टेंस वेजेस है, ये सब्सिस्टेंस वेजेस दिए जा रहे हैं लेबर को। अब आउटपुट जो होगा वो आउटपुट प्रोड्यूस होगा इतना, ये आउटपुट प्रोड्यूस हो गया, जो आउटपुट प्रोड्यूस हो रहा है वो ओ क्यू ई एल प्रोड्यूस हो रहा है, यानी कॉर्न जो प्रोड्यूस हो रहा है वो इतना प्रोड्यूस हो रहा है। इसमें से बी क्यू ई ए जो ये सेक्शन है, यानी पी क्यू ई ए सेक्शन जो इतना पोर्शन है, ये रेंट चला जाएगा। किनको रेंट? हमने कहा था कि कैपिटलिस्ट जो है, आप मेरा पिछला वीडियो देख सकते हो रिकार्डो मॉडल का, मैंने वहाँ पे एक्सप्लेन किया है कि जो कैपिटलिस्ट है उनको बहुत लोगों को पेमेंट करनी पड़ती है, तो उसमें से एक है लैंडलॉर्ड्स को रेंट देना पड़ता है लैंड यूज़ करने के लिए, ठीक है? तो ये उनका रेंट चला गया। अब जो ये है, इतना पोर्शन जो है
ये इतना पोर्शन कैपिटल को जा रहा है उनका रिवॉर्ड प्लस लेबर को जा रहा है, तो ये इतना पोर्शन कैपिटल प्लस लेबर दोनों का रिवॉर्ड है। उसमें से जो इतना पोर्शन है वो प्रॉफिट कहलाएगा। भाई ये प्रॉफिट क्यों कहलाएगा? क्योंकि जो ये पोर्शन है, ये जो नीचे का पोर्शन आप दे रहे हो, देख रहे हो ओ डब्ल्यू डैश बी एन, वो पोर्शन जो है वो वेजेस के तौर पे लेबरर्स को जा रहा है, क्यों? क्योंकि सबसिस्टेंस वेजेस है। और बाकी बचा हुआ क्या होगा? बाकी बचा हुआ कैपिटल को जा रहा है। कैपिटल को क्या जा रहा है? प्रॉफिट। ये प्रॉफिट है, तो ये प्रॉफिट कैपिटल वापस री इन्वेस्ट करेगा, और जब री इन्वेस्ट करेगा तो और लेबर का डिमांड होगा, और लेबर का डिमांड होगा, वो इवेंचुअली इधर आएगा। इधर मतलब इतना प्रॉफिट होगा, इतना वेजेस होगा, इतना आउटपुट होगा। फिर ये होते होते लेबर डिमांड इस पॉइंट तक आ जाएगा जहाँ पे W इज इक्वल्स टू एम पी एल है। इस पॉइंट पे कुछ प्रॉफिट आपको दिख रहा है? नहीं, प्रॉफिट कुछ भी नहीं होगा, और सारा का सारा जो रेंट है वो एकदम इंक्रीज हो जाएगा। तो यही चीज़ हमने लास्ट वीडियो में कवर की थी। हमने ये कहा था एक और चीज़ कि रिकार्डो ने अज्यूम किया है कि जो लैंड ओनर्स हैं जिनको ये रेंट जा रहा है वो सेव नहीं करते, वो सारा का सारा पैसा कंज्यूम करते हैं। अगर वो भी सेव करने लगे तो कैपिटल अक्यूमुलेशन वो भी करेंगे, तो वो सेव नहीं करते, वो सारा का सारा पैसा कंज्यूम करते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं रोल ऑफ रोल ऑफ ये तो बाद में है। ओके, दिस इज द पार्ट, रिकार्डोज मॉडल ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर। सबसे पहले थोड़ी चीज़ें समझना ज़रूरी है। इंडस्ट्रियल सेक्टर समझने से पहले इट शुड बी नोटेड दैट द फूड ग्रेन सरप्लस जनरेटेड इन एग्रीकल्चरल सेक्टर, एग्रीकल्चरल सेक्टर में जो फूड ग्रेन सरप्लस है, क्या है फूड ग्रेन यहाँ पे? कॉर्न। तो फूड ग्रेन सरप्लस जो है वो फूड ग्रेन सरप्लस जनरेटेड इन एग्रीकल्चरल सेक्टर आर इसेंशियल टू एम्प्लॉय लेबर्स इन इंडस्ट्रियल सेक्टर। देखो इनका मतलब क्या है, ऐसा हम कुछ भी नहीं कह रहे कि हाँ फूड ग्रेन प्रोडक्शन के वजह से इंडस्ट्रियल, क्या होता है ना कि जब इंडस्ट्रियल सेक्टर काम करेगा, इंडस्ट्री में भी आप किसी एम्प्लॉय को लगाते हो, वो मशीन्स बना रहा है या कुछ भी आप इंडस्ट्री में उसको काम दे रहे हो, वो प्रोडक्टिव कब होगा? जब वो खाना खाए। खाना कहाँ से आ रहा है? एग्रीकल्चर सेक्टर से। तो सरप्लस वहाँ पे होना ज़रूरी है। देखो एक चीज़ है कि सरप्लस होना क्यों ज़रूरी है, सरप्लस यानी ज़्यादा अमाउंट होना ज़रूरी क्यों है? क्योंकि यहाँ पे इंडस्ट्रियल सेक्टर जो है वहाँ पे उनको वेजेस मिलेंगी, तो लेबर डिमांड बढ़ेगा। जब लेबर डिमांड बढ़ेगा, उनको इनकम ज़्यादा होगा, तो वो डिमांड करेंगे फूड ग्रेन्स का। अगर आपके पास वो फूड ग्रेन सप्लाई प्रॉपर नहीं है, सरप्लस नहीं है, तो क्या होगा? प्राइसेस इंक्रीज होगा। प्राइसेस इंक्रीज होगा तो क्या होगा, हम आगे देखेंगे। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि इंडस्ट्रियल सेक्टर के जो एम्प्लॉय कर रहे हैं लेबरर्स को, वो एक तरीके से फूड ग्रेन्स पे डिपेंडेंट है। तो फूड ग्रेन सरप्लस होना ज़रूरी है। मैं ऐसे नहीं सिर्फ बोल रही, फूड ग्रेन होना ज़रूरी है, सरप्लस होना ज़रूरी है। वाइल द लैंड ऑन एज अ होल इज फिक्स्ड, लैंड फिक्स्ड है, डिमिनिशिंग रिटर्न्स अल्टीमेटली अकर व्हेन मोर डोजेज ऑफ लेबर एंड कैपिटल आर यूज्ड। उस पे उसी लैंड पे आप बार बार ज़्यादा लेबर और कैपिटल एम्प्लॉय करते जाओगे तो डिमिनिशिंग रिटर्न्स होगा, राइट? इंक्रीज इन द स्टॉक ऑफ फिक्स्ड इंडस्ट्रियल कैपिटल, इंडस्ट्रियल कैपिटल में, फिक्स्ड इंडस्ट्रियल कैपिटल में अगर आप इंक्रीज करते हो, ऑन द अदर हैंड इज पॉसिबल सिंस इट इज़ मेड बाय बैंक। देखो हम बोल रहे हैं कि ये लैंड में, ये समझो एक लैंड है, ये लैंड में अगर आप कैपिटल एंड लेबर बढ़ाते जाओगे, इंक्रीज करते जाओगे, तो डिमिनिशिंग रिटर्न्स होगा। वो हमने पिछले वीडियो में देख लिया, और क्या होता है, प्रॉफिट्स कम होते जाते हैं, कैपिटल अक्यूमुलेशन नहीं होगा। लेकिन अगर आप इंडस्ट्रियल सेक्टर में फिक्स्ड कैपिटल एम्प्लॉय करते हो,
तो वो हो सकता है आप इंक्रीज कर सकते हो, क्यों? क्योंकि वो मैनमेड प्रोडक्ट है, ये जो मशीन है, ये जो कैपिटल, फिक्स्ड कैपिटल आप एम्प्लॉय कर रहे हो, ये मैनमेड है, तो वो हो सकता है। बट वर्कर्स एंगेज्ड इन बिल्डिंग अप ऑफ कैपिटल स्टॉक मस्ट बी पेड इन रियल टर्म्स। अब ये जो फिक्स्ड कैपिटल बना रहे हैं इंडस्ट्रियल सेक्टर में, उनको आपको रियल टर्म्स में वेजेस देना पड़ेगा, ऑब्वियसली, मतलब वेजेस देना पड़ेगा, जिनके रियल टर्म्स हो गए कॉर्न, दैट इज इन द फूड, इन द फॉर्म ऑफ फूड ग्रेन एंड अदर वेज गुड। वेज गुड क्या है? कॉर्न। और कॉर्न एज रिकार्डो कॉल्ड इट, एज द स्टॉक ऑफ कैपिटल इंक्रीजेज इन इंडस्ट्रियल सेक्टर, एज स्टॉक ऑफ कैपिटल इंक्रीजेज इन इंडस्ट्रियल सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर में जो कैपिटल का स्टॉक है वो इंक्रीज होगा, तो क्या होगा? मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर कर्व शिफ्ट्स अपवर्ड, इम्प्लाइंग, व्हाट इट इम्प्लाइज, इम्प्लाइंग दैट मोर लेबर विल बी एम्प्लॉयड एट मिनिमम सब्सिस्टेंस लेवल of wages through the process of capital work। क्या हुआ? देखो, जब आपने capital stock industrial sector में बढ़ाया, तो obvious है कि वहाँ पे diminishing returns नहीं है, वहाँ पे constant returns है, तो MPL curve जो होगा वो shift होगा। जब MPL curve shift होगा तो इससे क्या होगा? एमपीएल कर्व अपवर्ड शिफ्ट होगा, मोर लेबर आप एम्प्लॉय कर पाओगे उसी सेम वेज लेवल पे, सब्सिस्टेंस वेज लेवल पे आप ज़्यादा लेबर एम्प्लॉय कर पाओगे। इसका जब हम ग्राफ देखेंगे ना, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा मैं क्या बोल रही हूँ। मैं एक बार ये सेंटेंस रिपीट कर लेती हूँ, तो आप लिख सकते हो, एज द स्टॉक ऑफ कैपिटल इंक्रीजेस इन इंडस्ट्रियल सेक्टर, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी कर्व ऑफ लेबर इन द इंडस्ट्रियल सेक्टर विल शिफ्ट अपवर्ड। कहाँ पे? इंडस्ट्रियल सेक्टर में मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर कर्व शिफ्ट हो रहा है, इधर नहीं हो रहा है एग्रीकल्चरल सेक्टर में। कहाँ पे हो रहा है? इंडस्ट्रियल सेक्टर में हो रहा है। इट विल शिफ्ट अपवर्ड, implying that more labor will be employed at minimum। अब उसी minimum subsistence level पे you can employ more labor, subsistence level of wages through the process of capital widening। This is widening, not working, widening। हमने capital को increase किया ना, wide किया, तो capital widening के वजह से ये चीज़ हुई है। It is again worth emphasizing that in short run real wages may rise above the minimum subsistence level, but this will lead to increase in population and labor force, so that as long as food grains are available at the same price, minimum subsistence level in the money terms will remain constant and supply of labor will be perfectly elastic at minimum subsistence level in the money form। Short run mein wages increase ho sakte hain, wages increase honge to population increase hoga, population increase hoga to eventually wo minimum subsistence pe wapas layega, to as long as wahan pe food grain mein surplus hai, wo provide kar pa raha hai, increase in population ka bhi khana provide kar pa raha hai, to wo subsistence level mein wapas layega, and eventually jo supply hai to the industrial sector, labor supply to industrial sector hai, wo perfectly elastic hoga। However, अब एक चीज नोट करने की है, इफ द प्राइसेस ऑफ द फूड ग्रेन, मैं यहाँ पे कॉर्न लिख देती हूँ, प्राइस ऑफ फूड ग्रेन यानी प्राइस ऑफ कॉर्न राइजेस ड्यू टू द ऑपरेशन ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स इन एग्रीकल्चर। देखो, हमने देखा कि एग्रीकल्चरल सेक्टर जो है वहाँ पे डिमिनिशिंग रिटर्न्स है। अब डिमिनिशिंग रिटर्न्स पे मिनिमम वेजेस आप देते जा रहे हैं लेबरर को, लेकिन अब आउटपुट कम इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, लेकिन जो वेजेस लेबरर्स को मिल रहे हैं उनसे वो डिमांड तो करेंगे। अब ऐसा तो नहीं है वो ऐसे सोच के डिमांड करेंगे कि नहीं, इतना कॉर्न का प्रोडक्शन नहीं हुआ है, चलो हम हमारा डिमांड कम कर देते, नहीं, वो डिमांड करेंगे आउटपुट लेस देन, मतलब आउटपुट इतना इंक्रीज नहीं हो रहा है, राइट। अब
क्या होगा, डिमांड जो है वो ग्रेटर देन सप्लाई होगा, तो प्राइस राइज हो गया। तो अगर ऐसा सिचुएशन आता है जिस वजह से प्राइस ऑफ द कॉर्न या फूड ग्रेन प्रोडक्ट इंक्रीसेस ड्यू टू द ऑपरेशन ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स इन एग्रीकल्चर, वेजेस इन इंडस्ट्रियल सेक्टर विल राइज। अब ये क्यों राइज होगा, देखो प्राइसेस किनके इंक्रीज हो रहे हैं, कॉर्न। अब अगर मुझे 100 रुपीज दिए जा रहे हैं पहले एज अ वेजेस इन द इंडस्ट्रियल सेक्टर, ठीक है, और कॉर्न का एक कॉर्न का प्राइस है 10 रुपीज, तो रियल टर्म्स में मैं कितना खरीद पाऊंगी, 10 कॉर्न खरीद पाऊंगी। अब जब 1 कॉर्न का प्राइस कितना हो गया, 20 हो गया, समझो रफ फिगर्स में ले लूँ, 20 हो गया, तो अब क्या होगा, मैं इसी सेम वेजेस पे सिर्फ 5 कॉर्न खरीद पाऊंगी। अब मिनिमम रिक्वायरमेंट एक दिन का मुझे 10 कॉर्न्स चाहिए चाहिए, तो मैं क्या करूँगी, मैं वेजेस डिमांड करूँगी, मैं कहूँगी इंडस्ट्रियल सेक्टर में कि मुझे ज़्यादा वेजेस दो ताकि मैं ये जो प्राइस इंक्रीज हुआ है उसको केटर कर पाऊँ, यानी इन्फ्लेशन जो हुआ है वो, मतलब प्राइस इंक्रीज जो हुआ है मैं उतना सेम यूनिट्स खरीद सकूँ, उतना मेरा वेजेस भी बढ़ा दो। यानी ऐसा हो गया, इन्फ्लेशन अगर फूड ग्रेन में हो रहा है तो मुझे उतना वेजेस भी दो कि मैं सेम फूड ग्रेन खरीद सकूँ, तो वो डिमांड करेंगे ज़्यादा वेजेस, इसी वजह से वेजेस इन द इंडस्ट्रियल सेक्टर विल राइज। बट द वेज रेट इन टर्म्स ऑफ कॉर्न और वेज गुड विल रिमेन द सेम, लेकिन जो वेज रेट रियल टर्म्स में है, रियल टर्म्स इन टर्म्स ऑफ कॉर्न, वो सेम रहेगा। यानी ये इतना इंक्रीज होगा, मतलब जब 20 हुआ तो इसका मतलब है अब 200 रुपीज़ आपको वेजेस दिए जाएंगे कि आप अब सेम 10 कॉर्न खरीद सको, तो रियल टर्म्स में आप अब भी सेम कॉर्न खरीद पा रहे हो। तो रियल टर्म्स में वेज इन टर्म्स ऑफ कॉर्न और वेज गुड विल रिमेन द सेम एंड द लेबर सप्लाई, और लेबर सप्लाई कितना होगा, लेबर सप्लाई विल बी परफेक्टली इलास्टिक, परफेक्टली इलास्टिक ही होगा, क्योंकि ऐसे अगर चलता है तो इवेंचुअली लेबर सप्लाई परफेक्टली इलास्टिक होगा एट दिस रेट ड्यू टू द ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन एंड लेबर फोर्स। क्यों, क्योंकि परफेक्टली इलास्टिक है मतलब कि लेबर पॉपुलेशन भी इंक्रीज हो रहा है, लेबर फोर्स भी इंक्रीज हो रहा है, इस वजह से वो परफेक्टली इलास्टिक होगा। सप्लाई परफेक्टली इलास्टिक होना मतलब कि आप कह रहे हो कि मैं अगर 10 लेबर्स को डिमांड कर रही हूँ तो वो 10 लेबर अवेलेबल है, मैं 20 लेबर का डिमांड कर रही हूँ तो 20 लेबर अवेलेबल है, तो जितना भी मैं लेबर डिमांड कर रही हूँ उतने लेबर्स अवेलेबल हैं, ये कहना परफेक्टली इलास्टिक यानी ये होता है। बट द अवेलेबिलिटी ऑफ वेज गुड सरप्लस प्रूव्स अ कॉन्स्ट्रेंट ऑन द ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर। कैसे, इफ़ द सफिशेंट फूड सरप्लस आर नॉट फोर्थकमिंग एंड डिमांड फॉर देम इंक्रीज एज अ रिजल्ट ऑफ ग्रोथ इन लेबर एम्प्लॉयमेंट ब्रॉट अबाउट बाई एक्सपांशन ऑफ द स्टॉक ऑफ इंडस्ट्रियल कैपिटल, प्राइसेज ऑफ द फूड ग्रेन्स में राइज, धीरे जाएंगे, इतना कोई डिफिकल्ट नहीं है। देखो हम क्या कह रहे हैं कि इंडस्ट्रियल सेक्टर जो है, ये इंडस्ट्रियल सेक्टर है, ये एग्रीकल्चर सेक्टर है, ठीक है। अब अगर इंडस्ट्रियल सेक्टर में कैपिटल स्टॉक इंक्रीज होता है तो ये ऑब्वियस है, डिमांड करेंगे लेबर को, जब डिमांड करेंगे लेबर को आप सेम वेज रेट पे ज़्यादा लेबर एम्प्लॉय कर सकते हो, तो अब इनकम लोगों की बढ़ेगी, या इनकम लोगों की बढ़ेगी मतलब सेम वेजेस है लेकिन ज़्यादा लोग आ रहे हैं, तो नेशनल इनकम इवेंचुअली ज़्यादा इनकम हो जाएगा, ज़्यादा लोगों के पास इनकम होगा तो डिमांड बढ़ेगा। वो जो पहले डिमांड नहीं कर रहे थे, जो पहले एम्प्लॉयड नहीं थे, अब जो एम्प्लॉय हुए हैं उन, वो भी डिमांड करने लगेंगे, किन चीज़ का, फूड ग्रेन का, फूड ग्रेन का डिमांड करने लगेंगे। अब अगर ये जो फूड ग्रेन डिमांड है, समझो 100 यूनिट्स का फूड ग्रेन डिमांड ये लोग करते हैं, लेकिन एग्रीकल्चरल सेक्टर में सिर्फ 80 यूनिट्स का इंक्रीज हुआ है आउटपुट में, क्योंकि वहाँ पे डिमिनिशिंग रिटर्न्स है, तो क्या होगा, डिमांड इज़ ग्रेटर देन सप्लाई। हमेशा मैं बोलती हूँ जब ऐसा सिचुएशन आएगा तो प्राइस राइज हो जाएगा, किन का, कौन का। तो फूड ग्रेन का सरप्लस होना बहुत ज़रूरी है, सरप्लस होना मतलब आपके पास 100 यूनिट्स तो होने चाहिए, उससे ज़्यादा होने चाहिए, 120 यूनिट्स होने चाहिए, तभी जाके आप इंडस्ट्रियल सेक्टर में भी जो वेजेस हैं या
एग्रीकल्चरल सेक्टर के जो प्राइसेस हैं उसे सेम रख पाओ। दिस इंक्रीज इन प्राइस ऑफ फूड ग्रेन विल रेज द सब्सिस्टेंस वेज। प्राइस इंक्रीज हमने यहीं पे देखा, जब प्राइस इंक्रीज होगा तो वेज इन द इंडस्ट्रियल सेक्टर इंक्रीज, तो सब्सिस्टेंस वेज से ज़्यादा हो जाएगा। इन टर्म्स ऑफ मनी विल रिड्यूस द सरप्लस ऑफ कैपिटल। अब देखो वेजेस अगर इंक्रीज हुआ, प्राइस इंक्रीज के वजह से वेजेस इंक्रीज हुआ, तो प्रॉफिट जो कैपिटल को जा रहा है वो रिड्यूस हो जाएगा। वो वाला डायग्राम याद है, पहले वाला डायग्राम एग्रीकल्चरल सेक्टर का, जब प्राइसेस इंक्रीज होगा ज़्यादा डिमांड करेंगे वेजेस, वेजेस इंक्रीज हो जाएगा सब्सिस्टेंस से ज़्यादा, तो प्रॉफिट कम होगा। ये भी हम ग्राफ के थ्रू भी देखेंगे, वेजेस लेबर और ज़्यादा डिमांड करेंगे तो ऑब्वियसली प्रॉफिट कम होगा। सिंस रिकार्डो एंड अदर्स अज्यूम दैट एग्रीकल्चर वॉज सब्जेक्ट टू डिमिनिशिंग रिटर्न्स, प्राइस ऑफ फूड ग्रेन विल राइज एज कल्टिवेशन ऑन लैंड इज इंक्रीज बोथ एक्सटेंसिवली एंड इंटेंसिवली। देखो रिकार्डो ने डिमिनिशिंग रिटर्न्स कहा है, तो ऑब्वियसली जैसे आप फूड ग्रेन्स का प्रोडक्शन इंक्रीज करोगे, ठीक है लेबर एम्प्लॉय करोगे ज़्यादा, लेकिन आउटपुट कम इंक्रीज होगी, आउटपुट कम इंक्रीज हो रही है तो प्राइसेस राइज होना नेचुरल है, वो होगा ही क्योंकि डिमिनिशिंग रिटर्न है। देयरफॉर एज अ रिजल्ट ऑफ राइज इन प्राइसेस ऑफ द फूड ग्रेन एंड देयरबाय राइज इन द वेजेस ऑफ द लेबरर्स विल रिड्यूस द सरप्लस ऑफ प्रॉफिट मेड बाय कैपिटलिस्ट इन द इंडस्ट्रियल सेक्टर। क्या हुआ इन शॉर्ट मैं बता देती हूँ, ये पूरा रिपीट थोड़ा यहाँ पे लिखा हुआ है अलग अलग स्टेटमेंट में, मैं इन शॉर्ट बता देती हूँ कि क्या हो रहा है कि एग्रीकल्चर सेक्टर में एक फ्लो चार्ट के थ्रू समझते हैं, ठीक है। मैंने एग्रीकल्चर सेक्टर आपको समझा दिया क्या होता है, एग्रीकल्चर सेक्टर में कैसे वर्क करता है डिमिनिशिंग रिटर्न्स। अब समझते हैं इंडस्ट्रियल सेक्टर में कैपिटल स्टॉक इंक्रीज हुआ, लेबर डिमांड इंक्रीज होगा, लेबर डिमांड इंक्रीज होगा तो जो लेबर नए आए हैं वो क्या डिमांड करेंगे, उनके इनकम, उनको इनकम मिलेगा सब्सिस्टेंस लेवल का, वो देन कौन डिमांड करेंगे, सो डिमांड फॉर कौन इंक्रीज। अब जब डिमांड फॉर कौन इंक्रीज एग्रीकल्चरल सेक्टर में, ये इंडस्ट्रियल सेक्टर में हो रहा है, ठीक है। एग्रीकल्चर सेक्टर में क्या हो रहा है, डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू स्केल है, ठीक है, इस वजह से क्या होगा, आउटपुट विल नॉट बी इंक्रीजिंग। अब डिमांड ज़्यादा है, आउटपुट उतना ज़्यादा नहीं है, डिमांड इज़ ग्रेटर देन सप्लाई, प्राइस विल इंक्रीज, किनका, कौन का, लेकिन वेजेस जो है वो क्या होंगे, वेजेस इंक्रीज होंगे, क्यों, क्योंकि वो डिमांड करेंगे, हमें रियल टर्म्स में सेम रखना है, कॉन्स्टेंट रखना है। द रियल वेजेस इन वेजेस इन द वेजेस इन रियल टर्म्स ऑफ कॉर्न विल बी सेम, वी हैव टू कीप दैट एज सेम, तो इस वजह से आपको नॉमिनल वेज बढ़ाना पड़ेगा, मतलब मनी टर्म्स में जो मैंने एक्सप्लेन किया 200 एंड 100, ये बढ़ाना पड़ेगा। अब जब वेजेस बढ़ जाएंगे तो प्रॉफिट जो कैपिटलिस्ट के पास था वो कम हो जाएगा, प्रॉफिट जब कम होगा तो री इन्वेस्टमेंट कम होगा, यही सिंपल टर्म्स, यही जो है वो एक्सप्लेन किया गया है। द रेट ऑफ प्रॉफिट एक्सप्रेस्ड एज द रेशियो ऑफ नेट रेवेन्यू अर्नड बाय द अर्नड ऑन कैपिटल विल गो ऑन डिक्लाइनिंग, और ये कम होता जाएगा, ऐसे चलता जाएगा और इवेंचुअली प्रॉफिट ज़ीरो हो जाएगा। व्हेन द रेट ऑफ प्रॉफिट बिकम्स ज़ीरो, देखो मैं प्रॉफिट ज़ीरो की बात नहीं कर रही, यहाँ पे आप बोल रहे हो प्रॉफिट ज़ीरो होना, मैं ये नहीं बोल रही, मैं ये बोल रही हूँ रेट ऑफ प्रॉफिट ज़ीरो होना। रेट ऑफ प्रॉफिट ज़ीरो होना मतलब आपका प्रॉफिट समझो इस आज के दिन पे या ये साल पे आपका प्रॉफिट 7 है, तो अगले साल भी रेट ऑफ प्रॉफिट 7 ही है, कुछ रेट ऑफ प्रॉफिट में इंक्रीज़ नहीं हुआ है। अगर ये इंक्रीज होता तो आपका रेट ऑफ प्रॉफिट 1% होता, 1% इंक्रीज इन प्रॉफिट, लेकिन ये सेम है, यानी ज़ीरो इंक्रीज इन प्रॉफिट हुआ है, तो इसे कहते हैं रेट ऑफ प्रॉफिट, तो ये ध्यान में रखना। बिफोर द स्टेशनरी स्टेज स्टेट इज रीच्ड, लेवल ऑफ आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट ऑफ लेबर फोर्स ड्यूरिंग एनी गिवन पीरियड इन द इंडस्ट्रियल सेक्टर विल डिपेंड ऑन स्टॉक ऑफ गिवन फिक्स्ड कैपिटल। स्टेशनरी स्टेट हम रीच करें उससे पहले जो आउटपुट लेवल और एम्प्लॉयमेंट लेवल है कि कितना आउटपुट प्रोड्यूस होगा, कितने लेबर एम्प्लॉय होंगे, वो डिपेंड करता है किस पे,
इंडस्ट्रियल सेक्टर के फिक्स्ड कैपिटल पे, क्योंकि उसी पे डिपेंडेंट है ना लेबर डिमांड, और उसी पे डिपेंडेंट क्या है आउटपुट कितना होना चाहिए, क्योंकि कितना वो लोग डिमांड कर रहे हैं उस पे बेसिस पे हमने क्या बोला, रिकार्डो ने बोला कि सरप्लस होना चाहिए। सरप्लस कब होगा, जब आपको पता है कि डिमांड समझो 120 यूनिट्स का है तो मुझे 140 यूनिट्स का आउटपुट बनाना पड़ेगा, तो उसी पे डिपेंड करता है इंडस्ट्रियल सेक्टर के स्टॉक ऑफ फिक्स्ड कैपिटल पे। ऑन वन हैंड एंड ऑन द वेज गुड सप्लाई फोर्थ कमिंग फ्रॉम एग्रीकल्चरल सेक्टर ऑन द अदर, तो दूसरी चीज़ इस सप्लाई पे डिपेंड करता है, अगर ये कम है सरप्लस नहीं है कम है तो हमने देखा प्रॉफिट्स कम हो जाएंगे, अगर ये ज़्यादा है सरप्लस है तो प्राइस चेंज नहीं होगा, प्राइस सेम रहेगा तो वेजेस सेम रहेगा, प्रॉफिट इंक्रीज होगा। तो इन दो चीज़ों पे डिपेंड करता है, एक फिक्स कैपिटल पे, दूसरा फूड ग्रेन में सरप्लस पे। अब हम ग्राफ देखेंगे, तो मैं फटाफट से ग्राफ बना लेती हूँ। दिस इज योर एक्स एक्सिस, दिस इज जीरो, यहाँ पे लेबर एम्प्लॉयमेंट है, यहाँ पे यू हैव मार्जिनल प्रोडक्ट, हियर इज योर कैपिटल स्टॉक। ठीक है, यहाँ पे हम कैपिटल स्टॉक ले रहे हैं जीरो के नीचे। अब देखो लेबर एम्प्लॉयमेंट वी डिपेक्ट द ग्रोथ ऑफ आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट इन द इंडस्ट्रियल सेक्टर इन द फिगर, इन दिस फिगर लेबर एम्प्लॉयमेंट इज मेजर्ड ऑन द एक्स एक्सिस, ओके, ओरिजिनल स्टॉक ऑफ कैपिटल इज मेजर्ड ऑन द वाई एक्सिस टू स्टार्ट विद, सपोज ओके वन ये आपका स्टॉक ऑफ कैपिटल, ओके वन इज योर स्टॉक ऑफ कैपिटल, लेट्स नेम इट एज के वन, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, ओके वन इज द स्टॉक ऑफ कैपिटल। ये कितना लेबर को डिमांड कर रहा है, एल वन लेबर को डिमांड कर रहा है, ओके वन इज द स्टॉक ऑफ इंडस्ट्रियल कैपिटल एंड करस्पॉन्डिंग टू दिस मार्जिनल प्रोडक्टिविटी कर्व इज एम वन पी वन, ये मार्जिनल प्रोडक्टिविटी कर्व है कुछ इस तरीके से, एम वन पी वन मार्जिनल प्रोडक्टिविटी कर्व। ठीक है, सपोज ये पी वन कर, सपोज ओ डब्ल्यू ये आपका मिनिमम वेज है, सब्सिस्टेंस वेज इज द मिनिमम सब्सिस्टेंस वेज इन रियल टर्म्स विद ओ डब्ल्यू एज द वेज रेट, ओ एल वन लेबर फोर्स। अब देखो ये मिनिमम सब्सिस्टेंस वेज है, ये एम पी कर्व है, इतना कैपिटल स्टॉक है। ठीक है, आपका जो इक्विलिब्रियम होगा इस वेज पे, इतना वेज पे एम पी एल इतना, तो एल वन आपका लेबर एम्प्लॉय होगा। अब क्या हो रहा है, एट ओ एल वन लेबर, ये लेबर एम्प्लॉय हुआ, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर इज इक्वल टू द गिवन वेज ओ डब्ल्यू, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी इतना है, टोटल वेज बिल कितना है ओ डब्ल्यू ई एल वन, कितना वेज है, एंड ये आपका हो गया डब्ल्यू ई एम वन, ये जो आपका सेक्शन है अपर ट्रायंगल के शेप में है, वो विल बी द प्रॉफिट। ठीक है, ये प्रॉफिट हो गया जो कि नेट रेवेन्यू है अर्न्ड बाय कैपिटल, मतलब इतना प्रोडक्टिविटी था, इतने प्रोडक्टिविटी में से इतना पोर्शन वेजेस में दे दिया, इतना प्रॉफिट बच गया, ये प्रॉफिट को री इन्वेस्ट करें। अकॉर्डिंग टू रिकार्डो गुड पार्ट ऑफ दिस नेट रेवेन्यू और प्रॉफिट अर्न बाय द कैपिटलिस्ट विल बी री इन्वेस्टेड, इसको री इन्वेस्ट करेंगे इन द एक्सपेंशन ऑफ कैपिटल इक्विपमेंट, फिक्स्ड कैपिटल इक्विपमेंट इंडस्ट्रियल सेक्टर में, वहाँ पर री इन्वेस्ट करेंगे। The reinvestment of profit will result in expansion of capital stock. The expansion in the stock of capital will shift the marginal productivity. अब stock of capital expand होगा, stock of capital expand होना मतलब K curve increase होगा, क्योंकि K curve increase होगा, हमने क्या कहा था, जब stock of capital increase होगा marginal productivity curve increase होगा, तो यहाँ पर ये marginal productivity curve increase होगा। अब क्या है आगे देखते हैं, द एक्सपेंशन इन द स्टॉक ऑफ कैपिटल विल शिफ्ट द मार्जिनल प्रोडक्टिविटी कर्व एन टू
पी टू ये मार्जिनल प्रोडक्टिविटी कर्व भी शिफ्ट हो गया ड्यू टू द इंक्रीज इन स्टॉक ऑफ कैपिटल टू द के टू क्यू। ये इंक्रीज इन स्टॉक ऑफ कैपिटल कहाँ से आया? ये पहले वाले के प्रॉफिट से आया। शिफ्ट द मार्जिनल प्रोडक्टिविटी कर्व ऑफ लेबर अपवर्ड टू द पोजिशन एम टू पी टू। नाउ इफ द सब्सिस्टेंस वेज रिमेन्स एट द लेवल ऑफ ओ डब्ल्यू ओ एल टू, ये आपका ओ एल टू लेबर एम्प्लॉय होगा एंड द प्रॉफिट्स विल नाउ इंक्रीज टू डब्ल्यू, ये आपका एम टू यहाँ पे है ये पॉइंट एम टू डब्ल्यू एंड ई टू, ये आपका प्रॉफिट इंक्रीज हो गया। ये प्रॉफिट वापस इन्वेस्ट होगा तो वापस के थ्री ऐसा चलता जाएगा एम पी थ्री और ज़्यादा होगा, लेकिन ऐसा चलता थोड़ी जाएगा, ऐसे होता जाए तो फिर हो गया, कुछ तो कंस्ट्रेंट होगा और ये कंस्ट्रेंट क्या था? एग्रीकल्चर का प्राइस इंक्रीज, वो भी हम देखेंगे। हाउएवर अकॉर्डिंग टू रिकार्डो इंडस्ट्रियल सेक्टर कैन नॉट गो ऑन एक्सपैंडिंग इंडिफाइनाइटली एज अकॉर्डिंग टू हिम एग्रीकल्चर इज सब्जेक्ट टू डिमिनिशिंग रिटर्न्स इंक्रीज इन द इंडस्ट्रियल आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट। ये एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हो रहा है ना, एम्प्लॉयमेंट जब इंक्रीज हो रहा है तो वो खाने पीने का डिमांड करेंगे, खाने पीने का जब डिमांड कर रहे हैं तो क्या होगा, खाने पीने का डिमांड कर रहे हैं तो वहाँ पे आउटपुट कम हो रहा है, क्यों? क्योंकि वहाँ पे डिमिनिशिंग रिटर्न्स है, वहाँ पे आउटपुट कम हो रहा है तो यहाँ पे क्या होगा, आउटपुट वहाँ पे कम हो रहा है, डिमांड यहाँ पे ज़्यादा है उसी प्रोडक्ट का, कौन का, तो क्या होगा, डिमांड विल बी ग्रेटर देन सप्लाई, कितनी बार प्राइस इंक्रीज तो यहाँ पे डिमांड वेजेस का ज़्यादा होगा, वेजेस का डिमांड ज़्यादा होगा तो क्या होगा, द राइज इन द प्राइस ऑफ फूड ग्रेन विल ब्रिंग अबाउट इंक्रीज इन द वेज रेट इन इंडस्ट्रियल सेक्टर इफ वेज रेट राइजेस टू ओ डब्ल्यू डैश। समझो अब वेज रेट इंक्रीज हुआ ड्यू टू डिमांड ऑफ वेजेस, समझो यहाँ तक इंक्रीज हुआ, थोड़ा थिकनेस बढ़ा देती हूँ तो आप इधर तक समझो हो रहा है ओ डब्ल्यू डैश तक वेजेस इंक्रीज किए सब्सिस्टेंस लेवल से। वेन द कैपिटल थर्ड आ रहा है, ये कैपिटल स्टॉक थ्री आ रहा है, देखो कैपिटल स्टॉक टू आया तो लेबर का डिमांड बढ़ा, जब लेबर का डिमांड बढ़ा लेबर एम्प्लॉयमेंट बढ़ा तो उन्होंने डिमांड ज़्यादा किया फूड ग्रेन का, फूड ग्रेन ज़्यादा अवेलेबल नहीं था तो प्राइस इंक्रीज हुआ, प्राइस इंक्रीज हुआ तो लेबर वेजेस इंक्रीज हुआ, वेजेस इंक्रीज हुआ तो अब ये लेवल पे लेबर एम्प्लॉय होगा। ओ एल थ्री लेबर फोर्स वुड बी एम्प्लॉयड एंड द नेट रेवेन्यू प्रॉफिट वुड रिड्यूस। अब जो नेट रेवेन्यू प्रॉफिट है वो कम हो जाएगा, क्यों? क्योंकि अगर यहाँ पे होता एम पी एल इज इक्वल्स टू सब्सिस्टेंस पे होता तो नेट रेवेन्यू प्रॉफिट इतने अमाउंट से ज़्यादा होता, लेकिन ये अमाउंट अब निकल चुका है। द अकरेंस ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स इन एग्रीकल्चरल सेक्टर एंड कॉन्सिक्वेंट राइज इन प्राइसेस ऑफ द फूड ग्रेन एंड राइज इन द वेज रेट रेट ऑफ प्रॉफिट मेड बाय द कैपिटलिस्ट विल गो ऑन डिक्लाइनिंग टिल इट बिकम्स जीरो। ये चलता जाएगा और इंक्रीज होगा, समझो और इंक्रीज हुआ और वेजेस इतना हाई हो गया कि अब जो है लेबर डिमांड इतना हो रहा है और प्रॉफिट्स देख रहे हो अब सिर्फ इतना बच रहा है, सिर्फ इतना तो वेजेस में चला जा रहा है, इतना सिर्फ प्रॉफिट्स बच रहा है और इतना जो प्रॉफिट बच रहा है तो प्रॉफिट इवेंचुअली कम होता जाएगा और ज़ीरो हो जाएगा, यही चीज़ उन्होंने एक्सप्लेन की है। फ्रॉम द अबाव इट इज़ क्लियर दैट रिकार्डोज मॉडल ऑफ ग्रोथ ऑफ आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट डिपेंड ऑन कैपिटल अक्यूमुलेशन ऑन वन हैंड, कौन सा, फिक्स कैपिटल का कैपिटल अक्यूमुलेशन एंड अवेलेबल सप्लाई ऑफ फूड ग्रेन्स ऑन वेज गुड्स ऑन द अदर, कौन का फूड सप्लाई उतना होना चाहिए, अगर कौन का फूड सप्लाई नहीं है तो फिर वेज इंक्रीज होगा, अगर कौन का फूड सप्लाई होता तो वेजेस सब्सिस्टेंस पे ही रहता और फिर इतना जो है लेबर डिमांड होता एल थ्री एल फोर और जो प्रॉफिट्स है वो ज़्यादा अमाउंट से इंक्रीज। तो यही चीज़ें किन दो चीज़ों पर डिपेंड करती है, कैपिटल अक्यूमुलेशन एंड फूड ग्रेन सप्लाई इन द एग्रीकल्चरल सेक्टर विच आर कंस्ट्रेंड बाय ऑपरेटिंग ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न। तो ये हमने ग्रोथ इन इंडस्ट्रियल सेक्टर भी कवर कर लिया है। अब आता है स्टेशनरी स्टेट, तो स्टेशनरी स्टेट के सिर्फ मैं पॉइंटर्स आपको बता देती हूँ, स्टेशनरी स्टेट इवेंचुअली आएगा, स्टेशनरी स्टेट में क्या होगा, स्टेशनरी स्टेट के पॉइंटर्स ये है कि सबसे पहले तो रेंट बहुत हाई होगा, क्योंकि अगर आपने देखा फर्स्ट वीडियो फर्स्ट वाला पार्ट जो है अगर आप वहाँ पे देखोगे तो मैंने एग्रीकल्चर का डायग्राम एक्सप्लेन किया है और उसमें जब प्रॉफिट ज़ीरो हो जाता है तो सारा का सारा रेंट जो है वो रेंट का पोर्शन चला जाता है और वो रेंट का पोर्शन बहुत हाई है, तो रेंट इज़ वेरी हाई
दूसरी चीज है वेजेस डाउन टू सब्सिस्टेंस ड्यू टू पॉपुलेशन इंक्रीज। अब मैंने तो आपको एक्सप्लेन किया कि वेजेस इंक्रीज हो रहे हैं, यहाँ पे सब्सिस्टेंस में क्या कैसे आ गए, क्योंकि जब वेजेस इंक्रीज हो रहे हैं जो भी अभी हमने एक्सप्लेन किया जिस वजह से वेजेस इंक्रीज हो रहे हैं क्या होगा, पॉपुलेशन ग्रोथ होगा, पॉपुलेशन ग्रोथ होगा तो इवेंचुअली ज़्यादा लेबर सप्लाई होगा, ज़्यादा लेबर सप्लाई होगा तो अल्टीमेटली सब्सिस्टेंस लेवल पे आ जाएंगे, तो स्टेशनरी स्टेट पे सब्सिस्टेंस लेवल वेजेस होंगे। थर्ड, रियल वेज रेट इज मिनिमम, मिनिमम रियल वेज रेट है और उसको कॉन्स्टेंट रखने की कोशिश की गई है। पॉपुलेशन ग्रोथ स्लोज डाउन, खत्म नहीं हो रहा है, स्लो डाउन हो रहा है पॉपुलेशन ग्रोथ स्टेशनरी स्टेट पे। फाइव, रेट ऑफ प्रॉफिट इज नियर टू ज़ीरो या इवेंचुअली इट टचेस ज़ीरो। एंड सिक्स, कैपिटल एक्सपेंशन स्टॉप्स एंड एनी फर्दर एनीथिंग एल्स और एनी फर्दर इंक्रीज और एनी चेंज दैट स्टॉप्स द कैपिटल अक्यूमुलेशन इज डिस्करेज्ड। फॉर एग्जाम्पल, हाँ सॉरी, आई वॉज सेइंग दैट एनीथिंग दैट स्टॉप्स द कैपिटल अक्यूमुलेशन, मतलब कहीं पे भी रिकार्डो ने एक अजम्पशन जब ये थ्योरी एक्सप्लेन की थी, एक अजम्पशन ये लिया था कि कैपिटल अक्यूमुलेशन जो कैपिटलिस्ट कर रहा है वो प्रॉफिट्स को वापस री इन्वेस्ट कर रहा है, उसको कुछ भी चीज़ अगर स्टॉप कर रही है तो वो नहीं होना चाहिए, वो डिस्करेज की गई। कौन सी चीज़ें हैं ये, टैक्सेस लगा देना कैपिटलिस्ट पे, टैक्स अगर वो भरेगा तो प्रॉफिट कम हो जाएगा, या आप उन पे जो भी वो इम्पोर्ट कर रहे हैं रॉ मटेरियल उन पे टैरिफ लगा दे रहे हो तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाए इंक्रीज हो जाएगा। तो ऐसे कुछ चीज़ें हैं जिससे कैपिटल डिस्करेज हो जाए प्रॉफिट को री इन्वेस्ट करने से या उनका प्रॉफिट कम हो जाए, वो सारी चीज़ें डिस्करेज की गई है। यही चीज़ है, रिकार्डो का मॉडल यही है। आप जो ये बुक है एचएल आहूजा डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स की, वहाँ से आप रीड कर सकते हो अच्छे से, मैंने ऑलमोस्ट कवर कर लिया है पूरा सेक्शन। क्रिटिकल इवेल्यूएशंस तो वही है जो अजम्पशंस है, डिमांड साइड उन्होंने इग्नोर कर दिया है, वो सिर्फ सप्लाई पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, डिमांड साइड इग्नोर कर दिया है कि इफेक्टिव डिमांड भी होता है, हो सकता है इफेक्टिव डिमांड ज़्यादा इंक्रीज हो तो वो उन्होंने इग्नोर कर दिया, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट उन्होंने इग्नोर कर दिया, काफ़ी सारी चीज़ें उन्होंने इग्नोर की है। लेबर, हाँ एक चीज़ ये आती है कि अगर टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट होता है और वो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट जो है, आप समझो कि कैपिटलिस्ट ने जो मशीन बनाई है वो जो मशीन है वो लेबर सेविंग मशीन है, लेबर सेविंग मशीन यानी उस मशीन को ज़्यादा लेबर्स की ज़रूरत नहीं है, तो लेबर का डिमांड नहीं होगा, लेबर का डिमांड नहीं होगा तो आगे बढ़ेगा नहीं, तो लेबर सेविंग हो गया, तो इस वजह से ये एक चीज़ उन्होंने कवर नहीं की। द मेन हर्डल इन डेवलपमेंट प्रोसेस अकॉर्डिंग टू हिम इज द राइज इन वेजेस ड्यू टू डिमिनिशिंग रिटर्न्स इन एग्रीकल्चर। अब सेल्स लॉ के अगेंस्ट सेल्स लॉ के बेसिस पे, सॉरी सेल्स लॉ के बेसिस पे ही उन्होंने अपना थ्योरी दी है कि लोग अगर एम्प्लॉय होंगे तो वो डिमांड करेंगे, वो डिमांड करेंगे तो ऑब्वियस है प्राइस इंक्रीज होने का चांसेस है अगर सरप्लस नहीं है, तो वही चीज़ मेन हॉर्डल उन्होंने बता दी है कि जो है वेजेस राइज अगर होते हैं तो वो मेन हॉर्डल है। तो मैंने ऊपर से ऑलमोस्ट आपको क्रिटिकल इवैल्यूएशन बता दिया है, आप खुद रीड कर सकते हो, क्योंकि अगर आपको थ्योरी अच्छे से समझ में आ गई है तो आपको जो क्रिटिकल इवैल्यूएशन है वो तो ऑब्वियसली अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगर आपको रिकार्डो की थ्योरी अच्छे से समझ में आई है सो डू लाइक द वीडियो, यू हैव टू कमेंट एंड टेल मी वेदर यू हैव अंडरस्टूड द कंसेप्ट और नॉट। तो इफ़ यू हैव एनी फीडबैक आप वो भी दे सकते हो, आई एम ओपन टू फीडबैक्स, एंड डू सब्सक्राइब टू द चैनल इफ़ यू आर न्यू टू द चैनल, एंड शेयर द वीडियो टू योर फ्रेंड्स एंड